हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि रेसिपी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली कैसे क्रिएट करते हैं एंड हमने इसको रन करके भी देखे थे। अभी हम इस एप्लीकेशन में आइकन को सेट करने वाले हैं। तो आइकन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, तो मैं जल्दी से इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमें सबसे पहले क्रोम में आना होगा। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना होगा इजी ऐप आइकन। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सर्च कर देता हूँ इजी ऐप आइकन। तो जैसे हम इजी ऐप आइकन सर्च करेंगे तो थोड़ी देर में हमारे सामने कुछ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजी ऐप आइकन शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है https easyapp.com, ओके, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इजी ऐप आइकन रहेगा इसका वेबसाइट का कम्प्लीटली होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो चूज फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोल्डर ओपन हो जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया लोगों को, उसी लोगों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। तो मैं आइकन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हम आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों भी इसमें हमारे इसमें लोगो आ चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। तो अगेन हमें थोड़ा इसको कम करना होगा, -35, यस। तो आप देख सकते हो अभी एक्सेक्ट हमारा आइकन लग रहा है। तो हमें कुछ नहीं, बस इसको डाउनलोड करना होगा। तो जैसे हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पे शो हो रहा होगा iOS+ एडेप्टिव आइकन, इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमारा आईसी लॉन्चर भी डाउनलोड हो रहा है, ओके। तो थोड़ी देर में हमारा आईसी लॉन्चर कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा। तो हम चलते हैं डाउनलोड में, फाइल मैनेजर डाउनलोड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, ओके। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। मैं जल्दी से इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ एंड ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अभी इसको ओपन कर देता हूँ मैं फोल्डर को एंड्रॉइड। अभी हमें क्या करना है, पांच इसको सिलेक्ट करना है, SDPI, MDPI, XSDPI, XXSDPI एंड ये SSDPI। इसको कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाना है आपको एंड ये जो आईसी लॉन्चर है मीप मैप में आना है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मीप मैप में आना है, आईसी लॉन्चर में आना है, कोई भी एक आईसी लॉन्चर ओपन करना है एंड इसमें आपको कंट्रोल प्रेस करना है एंड राइट क्लिक करना है, ओके। तो मैं कंट्रोल एंड क्लिक करके रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये शो रहा होगा आपको, तो आपको मीप मैप SDPI पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद ये जितने भी आपको दिखाई दे रही होगी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने ये कॉपी की है SDPI, MDPI, XSDPI, XXSDPI, XXSDPI, इसी को ही हमें बस पेस्ट करना है। तो जैसे हम कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो भी रहेंगे वो पेस्ट हो जाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं बट जो ऑलरेडी थे वो भी शो हो रहे हैं। तो इसको हम डिलीट कर देंगे जल्दी से। तो इसको डिलीट आपको बस प्रेस करते जाना है SDPI एंड इन दोनों को भी आपको डिलीट कर देना है एंड इसको भी आपको डिलीट कर देना है एंड इसको भी हम डिलीट कर देंगे एंड फाइनल अभी लास्ट बाकी है हमारा XXSDPI। ओके, तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है मीप मैप का। तो हम क्या करेंगे, मीप मैप NADPI 26 को डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ एंड ये मीप मैप NADPI V33 भी डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड अगेन हम प्रोजेक्ट में आ जाएंगे एंड हम रन ऐप पे क्लिक कर देंगे। तो सेम जैसे रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडर बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन हमें वेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडर बिल्ड फिनिश एंड मोबाइल डिवाइस में अगेन हमारी इसमें लॉन्च हो चुका है। तो अभी अगेन हम
आईसी लॉन्चर में जाके देखते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रेसिपी एप्लीकेशन है वो अभी शो हो रही है। ओके, तो अभी इस पर क्लिक करके देखते हैं तो हमारा होम पेज भी अच्छे से शो हो रहा है। तो आई होप गाइस अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा कि रेसिपी एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर सपोज इसका आपको सोर्स कोड चाहिए इस रेसिपी एप्लीकेशन का, तो इसका कॉस्ट रहेगा 3000। ओके, एंड अगर सपोज आपको इस एप्लीकेशन से मुझसे क्रिएट करना है कम्प्लीटली, जैसे कि ऐप नेम रहेगा, लॉन्चर रहेगा, सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी, तो इसका कॉस्ट रहेगा 5000। तो आई होप गाइस अभी आपको कम्प्लीटली इस ऐप के बारे में समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले नए सीरीज के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।